मोटर वाहन संशोधन अधिनियम का विरोध तेज हो गया है। शनिवार को सर्व चालक कल्याण संघ के बैनर तले वाहन चालकों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। चालकों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर नए कानून को वापस लेने की मांग की। संघ पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कानून की विसंगतियों पर ध्यान आकृष्ट कराने के साथ ही दुर्घटनाओं को रोक के लिए 29 सुझाव भी दिए। ज्ञापन में बताया कि नए कानून में दुर्घटना होने पर मौके से फरार होने की स्थिति में 10 साल की सजा 5,00,000 के जुर्माने का प्रावधान है। यह विधेयक निंदनीय है, परंतु इसमें संशोधन करना चाहिए। पहले शहर में खस्ता हाल सड़कों को सुधारना चाहिए। सड़क किनारे अतिक्रमण हटाना, सड़कों को सुधारने के बजाय इस प्रकार भार डालना सही नहीं है। यह विधेयक चालक की जान जोखिम में डालने के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। क्या है कि कोई भी ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो कोई भी ये नहीं चाहता, जो जानवर भी सामने आता तो उसे भी बचाने की कोशिश करता है। अब बाकी कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि ड्राइवर भी जो घटने पे होती है तो खुद अपना ड्राइवर शिकार हो जाता है घटना का। तो ये जो अमित शाह जी ने हमारे पे नियम लागू किया है, इसको वापस लेना चाहिए। इस तरह का इसका असर पड़ेगा आप लोगों पर? इस तरीके का कि सर देखो, हम तो कोई भी जानबूझ के तो कोई घटना करते नहीं। अगर अचानक से कोई आ जाता है तो अब उसको वो तो बचाना, जब तक बचाने की कोशिश रहती तो बचाते हैं। कई बार तो ड्राइवर भाई बचाते बचाते गाड़ियां पलटी खिला देता है, तो उसकी भी जान का खतरा रहता है। किसी का हाथ टूट जाता, किसी का पैर टूट जाता, किसी की जान चले जाती है। ये चीजें हैं। तो बाकी जो इन्होंने हमारे पे नियम लागू किया है, 10 साल की सजा, 7,00,000, 5,00,000 का जो जुर्माना है, तो हम इतना तो कोई घर से है नहीं कि जो हमारे पास जमीन जायदाद है। अगर इतना पैसा रहता तो सर हम ड्राउरी थोड़ी ना करते। हमारा कोई भी छोटा सा बिजनेस लेके खोलते ना, किसी की रोड पे गालियां थोड़ी सुनते सर। जिसके मुंह पे से मक्की नहीं उड़ती है वो भी हमें गाली देता है, हम उसको फिर भी भैया बाबूजी करके निकल जाते। और जो घटना के इन्होंने बनाया है कि जो भी घटना होती है तो घटना स्थल पे से जिसके साथ घटना होती है उसको अस्पताल ले जाता, तो अब अस्पताल कैसे ले जाएंगे सर? क्योंकि अगर अस्पताल नहीं ले जाएंगे, भग जाएंगे तो सरकार मार देगी। अगर अस्पताल ले जाते हैं तो अपने को जनता मार देगी, तो हम कहाँ जाएंगे सर? और हमारे साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? क्या चेतावनी देना चाहते हैं? हम तो ये चेतावनी देना चाहते हैं सर, अगर ये कानून वापस नहीं लेते तो हम 1 तारीख से स्ट्रिंग छोड़, जो अभी हमारा आंदोलन है, हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे सर। क्या नाम है? मेरा नाम है रंजीत वर्मा, अयोध्या बस्ती धनबैडी से, मैसूर से, खरगोन जिला से, कमेटी। जय हिंद जय भारत। आल ड्राइवर कल्याण संघ जिला खरगोन में राधेश्याम शर्मा अध्यक्ष। मैं ये जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने नया कानून निकाला है ड्राइवरों के लिए कि एक्सीडेंट पे 5,00,000 रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा, और उसको व्यक्ति घायल व्यक्ति को उठा के ले जाता है तो सजा कम हो जाएगी। अगर घटना स्थल से ड्राइवर मरीज को उठा के ले जाता है और ड्राइवर को पब्लिक मार देगी तो उसका क्या होगा? इसलिए हम आवेदन देने आए हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। ड्राइवर के पास अगर 5,00,000 रुपए होते तो वो गाड़ी का किस लिए चलाता? नहीं तो जिस तरह से सड़क दुर्घटना पर लगातार वृद्धि होती जा रही है, इसको लेकर सरकार ने जो नया नियम और कानून बनाया जी जी, इसको लेकर आप लोग को विरोध क्यों कर रहे हो? हम इसलिए कर रहे हैं सर, विरोध इसलिए कर रहे हैं सर, एक तो बैंक की तरफ से गाड़ियां नई ले आते कम पैसे में, और फिर नई गाड़ियों से रोड पे सीखना गाड़ी, अब उसमें गलती से वो उनकी गलती से एक्सीडेंट होता है, बाकी गलती बड़े वाहन की मानी जाती है। नाबालिग बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं रोड पे, हाई स्पीड चलाते हैं गाड़ी, एकदम से बड़ी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मारना, एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर की गलती बताते हैं। ड्राइवर तो पहले ही मजबूर इंसान है। हमारी ये काला कानून जो है, जो निकाला है, इस संबंध में इसको बंद करवाना चाहते हैं, और हमारी जो 29 सूत्रीय मांग है वो पूरी करवाना चाहते हैं। हम अनिश्चित हड़ताल करेंगे, कोई गाड़ी पे नहीं जाएंगे। मंडी की गाड़ी जान पे खेल के ड्राइवर राधेश्याम शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।